तो भैया उस सुकन्या ने सूल उठा के और आग छोड़ दी और ऋषि का बड़ा दर्द होया। ऋषि ने शरीर को हिलाया और दीमक चढ़ी हुई थी, हाँ खून बह रहा था। अश्विनी कुमारों से कहा ऋषि ने, हे अश्विनी कुमारों, ये ऐसा कुकृत किसने किया? उन्होंने कहा, महाराज एक 5-6 लड़की ले रही थी और इधर से एक लड़की आई थी और वो आपके सूर चुभोग और आपकी आँख फोड़गी और वो भागी। किधर भागी? इस दिशा में भागी। चलो मेरे को वहाँ ले चलो। ऋषि का खून बह रहा था और अश्विनी कुमार उंगली पकड़ के ऋषि की और जहाँ सरयाती का लश्कर ठहरा हुआ था वहाँ ले गया और उसने कहा, हे राजन, मैं तेरे को श्राप दूंगा, तेरी लड़की ने मेरी आंखें फोड़ दी, मेरी तपस्या में विघ्न डाल दिया, इसका दंड तुम्हें भरना पड़ेगा और इस लड़की को भरना पड़ेगा। और यूं करने लगा, हाँ बेटा, हाँ क्या दंड सुनाते हैं राजा? हाँ, राजा को दंड कहते हैं। राजा कहता हाथ जोड़ के, यहाँ एक सवैया का आगर दे पड़े मांगे राम, हाथ जोड़ के पाम पड़ियासू, मत जो श्राफ ऋषि जी, और इतनी करड़ी धमका दी से चढ़ गया ज्यादा ताप ऋषि जी, और अनजाने में गलती होगी, थम कर दो माफ ऋषि जी, और हाथ जोड़ कर पाया में पड़िया से एक बेटी का बाप ऋषि जी। नुबड़ा राजन, ये अक्षमा मांगने से काम नहीं चलेगा, मेरा लक्ष्य इसने अधूरा कर दिया, इसकी सजा इसको अवश्य दूंगा मैं। और ऋषि क्रोधित हो जाता है तो ऋषि कहता है कि हे राजन, या 14 साल रही घर तेरे, या 14 साल रही घर तेरा, इब करण है वाला मेरे, और अंधा करके तेरी सुकन्या यो पाप चढ़ेगा तेरे, मन पिता के हुक्म तली लगा समय दी, सदा सत्य बिरवे बहूंगा और मेरी सूर चोके न आँख फोड़गी, मैं के बेट कुटी में रोऊंगा और कान खोल सुन भूप सरयात्री, ना झूठे झगड़े जोऊंगा और तेरी सुकन्या ब्याह मेरे माँ दाग जगर के दोऊंगा। जब आंधा मान सावन करता है, भला कौन सामग्री गेरे रहे और आंधा करके तेरी सुकन्या डो चढ़ेगा तेरे रहे, के बेरा था अनु बन जाएगी, ऐसा करके खेल चल जाएगी और 5-7 संग सखिया न ले, बन में गेल चल जाएगी और मेरे पिछले जन्म की बरन थी, बन पन्नी शेल चल जाएगी और तेरी सुकन्या ब्याह दे मेरे, मेरी बनस की बेल चल जाएगी, पूत बिना मुक्ति होती ना, न्यू रह जाएगा बिन फेरे रहे और अंडा करके तेरी सुकन्या दोष चढ़ेगा तेरे रहे। फिर न्यू कर लगा, महाराज मैं ये काम करता हूँ, अब कैसे करूँगा, मैं पस्तरनी मन आया करूँ सू, मैं पस्तरनी मन आया करूँ सू, मैंने कौन नू आके लिया होगा और मैं फूल पात बन के खासूँ, मैंने कौन खुआ के लिया होगा, और यज्ञ की 8 समीदा चाहिए, समीदा कहते हैं लकड़ी को, आग ढाक बढ़ना पिपल जांडी सरना उंगा और बेल पत्र, ये 8 यज्ञ की लकड़ियां होती हैं। मैं पस्तर नहीं मन आया करूं सु, मैंने कौन नु आके लिया होगा और फूल पात बन के खासू, मैंने कौन खुआ के लिया होगा, और यज्ञ की 8 समीदा चाहिए, उन कौन तू आके लिया होगा, और यज्ञ में दूध गऊ का ताजा इब कौन छुआ के लिया होगा। और नुबला मेरा ठोकर लग गया पाँ फुटते, क्योंकि आन देगा बड़ी मुश्किल मुसीबत हो जाती है, ठोकर लग गया मेरा पाँ फुटे, मेरा हो जा दर्द सवेरे रे, और आंधा करके तेरी सुकन्या दोष चढ़ेगा तेरे रे। सुन लक्ष्मी चंद गुरु का चेला, सुन लक्ष्मी चंद गुरु का चेला, इब नहीं हलाया हलूंगा, और मांगे राम पैस का पूरा, मैं आड़ मरण की शल लूंगा और ब्रह्मा जी का मैं परपोता सू, इब सांस सब्र के घालूंगा और आंधा मानस रहू जंगल में, भला मैं किसके पाया चल लूंगा, और जय करने का दंड नहीं मिलता है, कौन राम ने तेरे रे, और आंधा करके तेरी सुकन्या दोष चढ़ेगा तेरे रे। बूढ़े से कोई गलती हो तो अक्षमा करना, और हमारे संस्कृति प्रेमी जितने भी भाई गायक हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, मैं सभी से माफ़ी मांगता हूं, और Star 9X यूट्यूब चैनल पर आने वाली प्रस्तुति के लिए इंतज़ार करें, और जैसे भी इस बूढ़े का याद हैं वो आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे जिंदा रहा तो। अच्छा भैया बोलिए प्रेम से, बाबा हरि हरि की जय।